हेलो दोस्तों, पीजीबीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है और आपके एग्जाम में ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का आ सकता है इस बार मई 2015 में। सेक्शन 32AC इन्वेस्टमेंट अलाउंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यही सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे आज। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज सेक्शन 32AC में जो अमेंडमेंट आई है उस पर ध्यान दूं, आपको मैं वो अमेंडमेंट्स पढ़ाऊं ताकि वो अमेंडमेंट आपके जब एग्जाम में आए तो आप उसे बहुत अच्छी तरह कवर कर पाए। एंड यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर वो अमेंडमेंट आपके एग्जाम में जरूर आएगी जो इस बार हुई है। सेक्शन 32AC क्या कहता था? पुराना सेक्शन 32AC सर बहुत सिंपल सी बात थी। अगर आपने 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में 100 करोड़ से ज्यादा की प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर प्लस इंस्टॉल कर दी है तो सर आपको एक डिडक्शन मिलेगी जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस। सेक्शन 32AC का एक सबसेक्शन था, सबसेक्शन 1, और वही बात बोलता था कि सर अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी है देन यू विल बी अलाउड 15% डिडक्शन विद द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस। सर देखने वाली बात यह है कि और भी कुछ कंडीशंस हैं इस सेक्शन में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत होना जरूरी है, देन कंपनी होना जरूरी है। अभी मैं सिर्फ अमेंडमेंट पे गौर करना चाहता हूँ, तो मैं अभी सिर्फ 32AC का सबसेक्शन 1 देख रहा हूँ जिसके साथ अब एक अमेंडेड प्रोविजन जुड़ गया है और वो है, यानी अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है आपकी अमेंडमेंट, दैट इज सेक्शन 32AC 1A। ये सेक्शन है जो नया आया है, ये सबसेक्शन है जो नया आया है 32AC के अंदर ऐड हुआ है। इसके ऐड होने से क्या चीज बनी, इसके ऐड होने से क्या डिफरेंस आए, मैं आपको बताता हूं। पहला सेक्शन लाए थे मिस्टर पी चिदम्बरम साहब, 32AC 1A लाए हैं मिस्टर अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली साहब ने क्या बोला कि सर अब आपको 2 साल की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ एक ही साल की इन्वेस्टमेंट अगर 25 करोड़ से ऊपर कर देते हैं, एक ही साल की इन्वेस्टमेंट कितने से ऊपर, 25 करोड़ से ऊपर, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी? वही 15%, राइट। अब ये 25 करोड़ से ऊपर कर दिए आपने एक साल में, सर प्रॉब्लम कौन से ईयर में होगी पता है? प्रॉब्लम एक ईयर में होगी, सपोज दिस इज 13-14 एंड दिस इज 14-15, ये भी हम 14-15 मांग के चलते हैं। यहां पे ओवरलैपिंग हो गई, यहां पे एक सेक्शन एप्लीकेबल था सेक्शन 32AC 1 और यहां पे दोबारा एक सेक्शन एप्लीकेबल हो गया 32AC 1A। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कौन से सेक्शन में डिडक्शन लेंगे, राइट? ये देखने के लिए कि हम कौन से सेक्शन में डिडक्शन लेंगे, आपको पहले मैं पुराना लॉ समझाऊंगा कि पहले डिडक्शन कैसे मिलती थी, फिर हम नए की बात करेंगे और फिर हम दोनों की बात एक साथ करने वाले हैं। अभी मैं पुराने लॉ की बात करूंगा कि सर पहले पी चिदम्बरम साहब ने जब सेक्शन बनाया था तो डिडक्शन कैसे मिलनी चाहिए थी। चिदम्बरम साहब ने बोला कि भाई आपके पास 2 साल है, 13-14 और 14-15, इनमें जो आपके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए दैट शुड एक्सीड 100 करोड़ प्लस, अगर ऐसा हुआ तो आपको हम 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस दे देंगे। सर मैं कुछ आपको दिखाता हूं, मैंने 13-14 में इन्वेस्टमेंट करी है 80 करोड़ और 14-15 में इन्वेस्टमेंट करी है 0, तो सर यहां पे हम लिख लेते हैं कि 13-14 में कितनी डिडक्शन मिलेगी और 14-15 में, 13-14 में 0 और 14-15 में 0 डिडक्शन। क्यों 0 डिडक्शन? साहब हमने क्या बोला था, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितने से ऊपर जाना चाहिए, 100 करोड़ से ऊपर, नहीं गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर चेक करते हैं सर, मैंने यहां पे 80 कर दिया, यहां पे 20 कर दिया, अरे डिडक्शन मिलेगी क्या? अजी नहीं। क्यों नहीं? सर 100 करोड़ से ऊपर, नॉट 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़। सर 80 प्लस 30, 13-14 में डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं भाई, तब तक हमें पता थोड़ा ना था कि 100 करोड़ से ऊपर के हम डिडक्शन ले जाएंगे। 14-15 में यस 110 का 15%, दैट इज 16.5 की आपको क्या मिल जाएगी,
इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन। ये पुराना लॉ चल रहा है सर, पुराना लॉ, अभी हम नए लॉ पे चर्चा नहीं कर रहे। ये था पी चिदम्बरम साहब का लॉ, यानी हम सेक्शन कौन सा देख रहे हैं अभी, सेक्शन 32AC1। ओके, 110 एंड 20। आप देखते हैं क्या होगा, 13-14 डिडक्शन मिलेगी क्या, हाँ जी 16.5 करोड़ की। 14-15 में मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी सर, कितना 20 × 15%, हाँ जी 20 × 15% दैट इज 3 करोड़ की। ओके, ये तो सर पुराना सेक्शन हो गया, सेक्शन 32AC सबसेक्शन 1। अब मैं नया सेक्शन दिखाता हूं आपको। नए सेक्शन ने क्या बोला कि सर अगर आप किसी भी एक ईयर में, हाँ जी किसी भी एक ईयर में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 25 करोड़ से ज्यादा की न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपको डिडक्शन मिलेगी कितने की, 15% की। सर प्रॉब्लम अब क्या होने वाली है, मैं इन्हीं फिगर्स को चेंज करता हूं और हम देखेंगे कि सर 14-15 में ओवरलैपिंग होगी। 14-15 में 32AC1 भी है और 32AC1A भी है, क्योंकि अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2014 से, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2014। ओके, तो चिदम्बरम साहब 2 साल की बात करके गए, हमारे जेटली साहब ने 1 साल की बात कर दी 14-15 की। ओके, 14-15, 15-16, 16-17, ऐसे एक एक साल की, मतलब 1 साल में बोल के गए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़ से ज्यादा। अच्छा जी, अब मैं इसको चेंज करता हूँ सर, इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हैं सर, इन्हीं एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिली, दूसरे केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिली, तीसरे केस में डिडक्शन ली हमने कौन सेक्शन में, सेक्शन 32AC सबसेक्शन 1 में, यानी चिदम्बरम साहब के सेक्शन में। दूसरे केस में डिडक्शन ली सेक्शन 32AC सबसेक्शन 1 में, यानी कौन सेक्शन में, चिदम्बरम साहब के सेक्शन में। मैं कुछ और केसेस बनाता हूँ, 60 एंड 40। इस केस को बहुत ध्यान से देखें सर, इस केस में अगर हम देखें तो क्या हमको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 32AC1। सर 13-14 में तो भूल गया, नहीं मिलती। 14-15 में भी अगर हम 32AC1 लगाए, यानी अगर हम चिदम्बरम साहब का सेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे यहां पे, तो सर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही। बट अगर हम यहां पे अरुण जेटली साहब का एक सेक्शन लगाने की कोशिश करें 32AC सबसेक्शन 1A, तो सर आपको यहां पे डिडक्शन मिल सकती है कितने पे, 40 करोड़ पे, कितना परसेंट, 15%, राइट, दैट इज 6 करोड़। और ये डिडक्शन मिली आपको सेक्शन 32AC1A1A। आप चाहते तो मैं आपको एक दो केस और करा देता हूं सर, ये केस ऐसे होता तो 80+40। अब आप पता क्या करते, अब आप सर कंसिडर करते मिस्टर चिदम्बरम को, क्योंकि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितने से ऊपर निकल गई है, 100 से ऊपर। अगर आप यहाँ पे अरुण जेटली साहब को कंसिडर करोगे तो क्या होता, पहले मैं अरुण जेटली को कंसिडर करके दिखाता हूँ सर। आप 13-14 में कोई ना लेते डिडक्शन, यहाँ पे आप क्या करते 40 का 15% ले लेते, मजा नहीं आता सर, सिर्फ 6 करोड़ की डिडक्शन मिलती। लेकिन अगर आप चिदम्बरम साहब को यहाँ पे कंसिडर करोगे तो फायदे की बात होगी, यहाँ पे तो नहीं रहेगा और यहां पे हो जाएगा 120 का 15%। क्यों, क्योंकि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से एक्सीड कर। तो बेसिकली सर जो चेंज था वो ये है कि भाई अगर आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है एक साल में 25 करोड़ से ऊपर चली गई तो आपको डिडक्शन मिलनी है अंडर सेक्शन 32AC सबसेक्शन 1A। ये बात एप्लीकेबल हुई है फाइनेंशियल ईयर 14-15 से। इससे पहले जो सेक्शन चलता था सेक्शन 32AC सबसेक्शन 1, वो था सर के 2 साल में, इन्हीं 2 ईयर्स का वहां पे जिक्र था, इन्हीं 2 सालों का यहां पे जिक्र था, आगे के लिए कुछ नहीं बताया हुआ था। अगर इन 2 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस की। ओके, प्रॉब्लम कहां पे आई, प्रॉब्लम इस ईयर को लेकर सर ओवरलैपिंग है। इस ईयर में 2 सेक्शन लग सकते हैं, 32AC1 और 32AC1A। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि कब आप 32AC1 लगाएंगे और कब आप 32AC1A लगाएंगे। आई होप आपको समझ आया, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।